हे बड़ी वन सेकेंड, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो वैसे प्लान हो गया आज जाने का आ रहा, तो बहुत दिन बाद वैसे मुंबई थे हम आफ्टर 3 दिन थे, तो अभी जा रहे आज और प्लान बना तो शुभम के साथ ही निकल जाते हैं, क्योंकि टिकट तो ऐसा मेरा है नहीं, शुभम का ही टिकट है, तो इन्हीं के टिकट पर अभी हम जाएंगे। और अभी यहाँ से चलते हैं अभी मेट्रो से फिर पकड़ते हैं तो कृति नगर, फिर उसके बाद इंदरलोक, और इंदरलोक से फिर वहाँ वेलकम फिर आनंद विहार टर्मिनल। अभी मेट्रो आने वाली है मात्र 2 मिनट, हम लोग वेलकम आ गए हैं। अब यहाँ से एक और मेट्रो चेंज करते हैं, फिर तो अभी आनंद विहार टर्मिनल से मेट्रो जाने वाली है। मेरा हाल तू, मेरी चाल तू, बस कर दे आशिकाना। तो हम लोग आनंद विहार टर्मिनल से आ गए हैं, अब जा रहे हैं स्टेशन पे और पता करते हैं पहले ट्रेन कौन से नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। और अभी हम लोग आनंद विहार टर्मिनल से चेकिंग का लाइन इतना बड़ा है ना, कहीं जाना और पीछे से लाइन लगना पड़ेगा, ऐसे बहुत बड़ा लाइन है, बट लगता है ऐसे लाइन में चेकिंग लाइन। मारा दबका मोड़ दे खड़के नी लोग जानते हैं अंदर नू बढ़ के। सर हम लोग अंदर आ गए हैं और सुबह आने वाला है, हम थोड़ी देर बाद आ गया। तेरे बिना ऐसे दिल ने मर जाना हित में ना। ये बढ़िया से आ गई है अभी हम सफर एक्सप्रेस से, लग गई है। अब हम लोग जा रहे हैं B1 मधुपुर हम सफर एक्सप्रेस, और इसी से आज जाने वाले हैं। अब ट्रेन पे ऐसा आकर हम बैठ गए हैं और 10 से 15 मिनट में ऐसा ट्रेन खुलने वाली है यहाँ से, तो भी हम बाहर थोड़ा सा वेट कर रहे हैं क्योंकि और गेस्ट आने वाले हैं। हम लोग अभी आएंगे या नहीं पता नहीं है, लेकिन आने वाले हैं। तो अभी ट्रेन में आकर बैठे तो सुबह हमको एक छोटा सा टास्क दे दिए कि एक पिल्लो लगा दो, तो अभी देखते हैं कवर लगा पाते हैं, तो कवर लगाते फिर हम ही को कवर लगाना पड़ता है। फिर अभी आनंद विहार से ट्रेन ऐसे खुल गई। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला तिल, तेरी अदावा मेरा लुट लिया दिल, दिल है मेरा। तो अभी ट्रेन 500 मीटर ऐसे चली भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे हो गई, क्योंकि ऐसे ट्रेन चलना स्टार्ट की थोड़ा तेज लेकिन धीरे हो गई। और सुबह में अभी फोन देख रहा है। ओह माय गॉड, भाई टीटी अंकल आ रहे हैं, बहुत डर लग रहा है, मेरे पास टिकट तो है नहीं, तो क्या करें, बट आने दो, आ रहे देख लूंगा फिर मैं। भूख लग गया तो उसमें खाना खाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी सुबह हम खाना ऐसा निकाल रहे हैं और क्या क्या है खाने में अभी देखते हैं। फिर टॉपते हैं पनीर की सब्जी, ऐसा अचार और रोटी, और अभी सुबह हम खाना स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे हम लोग खाना खा के अभी बैठ गए हैं और अभी अलीगढ़ जंक्शन गाड़ी पार कर दी है। हम सब फर्स्ट आगे चले थे ऐसे राजधानी एक्सप्रेस, तो क्या आई डोंट नो, लेकिन राजधानी के इंजन में से कुछ प्रॉब्लम आ गया, इसीलिए राजधानी को भी रोक दिया गया और हम सफ़र को निकाल रहे। आप देख सकते हैं अभी देखो ये लोग यहाँ पे ऐसे खड़े थे। तो फिर ट्रेन कानपुर सेंट्रल आ गई। तो ऐसे कानपुर सेंट्रल से ऐसे बाहर का सीन दिख रहा था, तो ऐसे एक रिकॉर्ड ले लिया, क्योंकि कानपुर ऐसे स्टेशन पे गाड़ी 10 मिनट लेट तक खड़ी हुई थी, 5 मिनट लेट से ट्रेन यहाँ से खुलती है। फिर ओ साडी दुनिया दीवानी बली है, दुनिया दीवानी बली है, मैं तैनू इथे। जैसे रात के बज गए हैं 2:30 और ट्रेन आ गई है सबुगल से, तो यहाँ से ट्रेन खुलने वाली है कुछ देर में। फिर पीटी दीनदयाल उपाध्याय से सिग्नल हो गया तो ट्रेन यहाँ से खुलती है। फाइनली मॉर्निंग 4 o'clock ट्रेन आ गई आरा जंक्शन। और भाई आरा में तो इतना अच्छा लग रहा था, आरा मतलब आते हैं तो जो भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत दिन बाद ऐसे आ रहे हैं हम। हेलो एवरीबॉडी, वन सेकंड, तो मैं अभी आरा आ गया हूँ और अभी चलता हूँ घर से, बहुत दिन बाद आरा जंक्शन। तो भाई आरा में जो सुकून मिलता है ना वो कहीं नहीं भाई, ऐसे ट्रेन ही बहुत बढ़िया है। कैसे आनंद विहार से शाम में पकड़ो और मॉर्निंग में यहाँ पे आ जाओ, और अभी मॉर्निंग के 4:30 हो रहा है और मस्त मॉर्निंग अभी पहुँच गए हम आरा।
अब चलते हैं घर पे। ठीक है, हम दिल्ली से आ गए हैं और अभी घर पे आ गए हैं, मस्त एकदम मज़ा आ रहा है। तो ब्लॉगिंग करते हैं क्योंकि आज का ब्लॉग फिर स्टार्ट कर दूँगा, तो ब्लॉगिंग करते हैं। आप कॉमेंट में बताना मुंबई, सॉरी ये दिल्ली टू आ रहा है, कैसा आपका ब्लॉग लगा।